नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरक सिंह रावत भाजपा से कांग्रेस में आ गए, उनकी पुत्रवधु को टिकट मिल गया लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। यह खबर बहुत पुरानी हो गई है। नया सवाल यह है कि हरक सिंह रावत चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं, फिर आजकल क्या कर रहे हैं? चलिए इसकी पड़ताल कर लेते हैं। लेकिन पहले यह जान ले कि अभी दो दिन पहले कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी देहरादून आई और मंच पर हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। पहले ना तो मंच से और फिर ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के किसी नेता ने हरक सिंह रावत का नाम लिया। जब पत्रकारों ने हरीश रावत से हरक सिंह रावत के बारे में सवाल किया तो हरीश रावत ने बस इतना ही कहा कि हम अच्छे से जानते हैं कि हरक सिंह रावत हमारे लिए कितने काम के हैं। वो अलग बात है कि उनको क्या काम सौंपा गया है यह दिख नहीं रहा है। और इस सवाल के, इस उत्तर के हरीश रावत के कई सारे मतलब निकलते हैं। अब मुख्य बात पर आते हैं कि हरक सिंह रावत आजकल क्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रचार पर बड़ी सख्ती की हुई है, इसीलिए सारी पार्टियां और नेता डिजिटल पर आ गए हैं। इसीलिए मैंने हरक सिंह रावत का फेसबुक और ट्विटर अकाउंट चेक किया। मैं ये देखकर दंग रह गया कि इस चुनावी गहमा गहमी में 26 दिसंबर के बाद हरक सिंह रावत ने कोई अपडेट नहीं किया है ट्विटर पर। जेपी नड्डा के स्वागत की फोटो आज भी सबसे ऊपर लगी हुई है। इसमें हरक सिंह रावत बहुत मुस्कुरा रहे हैं और जेपी नड्डा भी उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर मुस्कुरा रहे हैं। साथ में मदन कौशिक भी है, जाहिर सी बात है वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और भी भाजपा के बहुत सारे नेता इस तस्वीर में है। हरक सिंह रावत ने अपना प्रोफाइल भी नहीं बदला है ट्विटर पर। उनके अनुसार वो मंत्री है और उनके ट्विटर अकाउंट को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि अब वो भाजपा ही नहीं है, धामी सरकार का हिस्सा नहीं है और कांग्रेस में शामिल होकर एक कोने में बैठे हुए नहीं है। अब आते हैं उनके फेसबुक पेज पर। यहां भी उनकी उपस्थिति ना के बराबर है, लेकिन खास बात यह है कि बुधवार यानी 2 फरवरी को थोड़ी देर का लाइव उनके पेज से हुआ है। यह लाइव हरीश रावत की वर्चुअल रैली का लाइव है। हरीश रावत लाल कुआं को लेकर संबोधन कर रहे हैं। यह बस 1 मिनट 32 सेकंड का लाइव है। वैसे हरीश रावत हर रोज कई वर्चुअल सभाएं कर रहे हैं। यहां पर इसके पहले की और बाद की किसी भी हरीश रावत की वर्चुअल सभा का लाइव नहीं है, केवल यही एक लाइव है। हरक सिंह रावत ने प्रोफाइल फेसबुक पर भी नहीं बदला है, वो यहां पर भी मंत्री है, लेकिन बुधवार को एक बदलाव यह किया गया है कि उन्होंने कवर पेज बदल दिया है, जिससे यह पता चल जा रहा है कि हरक सिंह रावत अब भाजपा ही नहीं कांग्रेस ही है। इसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र के कार्यक्रम की कुछ फोटो हरक सिंह रावत ने शेयर की है। एक और पोस्ट है जिसमें लैंसडोन विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम दर्शाया गया है। कुल मिलाकर यहां पर भी कुछ खास नहीं है। फेसबुक पर भी हरक सिंह रावत की कोई खास एक्टिविटी नहीं है। इस तरह से कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत उनके सोशल मीडिया अकाउंट के हिसाब से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं केवल उनके सोशल मीडिया अकाउंट की बात कर रहा हूं। हो सकता है वो भाजपा को हराने की रणनीति बना रहे हो सकता है कांग्रेस की जीत के बाद के समीकरणों को साधने की रणनीति बनाने में लगे हुए हो सकता है वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है इसके गुणा भाग में दिमाग खपाए बैठे हो सकता है वो इस समीकरण के बारे में सोच रहे हो कि चुनाव के बाद किसको इस्तीफा दिलाकर कहां से चुनाव लड़ा जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो यहां पर सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं और आज सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिव जगह बन गई है चुनाव के दौरान नेताओं के लिए। वो भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का जो चुनावी माहौल है उसमें बगैर सोशल मीडिया के रहा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी जनसभाएं सभाएं वर्चुअल कर रहे हैं। और इस चुनावी मौसम में किसी भी नेता की दिन भर की गतिविधियों को जानने का सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया ही अभी मौजूदा वक्त में है। इसीलिए हरक सिंह रावत की यहां पर कोई खास गतिविधि दर्ज नहीं है। इसीलिए इंतजार करना चाहिए हरक सिंह रावत की अगली गतिविधि का जो खबर बन सके। वैसे भी कुछ माह पहले उनकी हर गतिविधि खबर बनती थी, अब वो खबरों से ही गायब हो गए। देखते हैं हरक सिंह रावत की वापसी खबरों में कब होती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।